केस टू था, परपेंडिकुलर लाइन केस थ्री था, और टाइप नंबर फोर में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ कम टू टाइप नंबर फाइव। टाइप नंबर फाइव अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फोर। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर फोर। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन of L1 and L2. L1 is equal to 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, and L2 is 3x plus 3y minus 5 is equal to 0. And parallel to y-axis. Parallel to y-axis. इसका मतलब सिचुएशन ये होगी कि अगर रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है L1 और L2 के इंटरसेक्शन में से और पैरेलल है वाई एक्सिस, लाइन कुछ इस तरह से होगी, इट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। यू नो दैट रिक्वायर्ड लाइन इट इज L1 प्लस k टाइम L2 इज इक्वल टू 0। L1 is 2x minus 3y plus 4 is equal to plus 4 plus k multiplied by L2. L2 is 3x plus 3y minus 5 is equal to 0. अब चूंकि हमें इस लाइन के स्लोप की जरूरत है, y is equal to mx plus c से कंपेयर करें ताकि आपको स्लोप मिल सके। We write 2x minus 3y plus 4 plus 3kx plus 3ky minus 5k is equal to 0। x की टर्म्स में से आप x कॉमन लें, बाकी बचेगा 2 प्लस 3k। y की टर्म्स में से आप प्लस y कॉमन लें, बाकी बचेगा 3k माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज इक्वल टू 3k माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3k मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5k माइनस 4। अब 3k माइनस 3 को भी शिफ्ट कर दें तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3k माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5k माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3k माइनस 3। Compare this equation with y is equal to mx plus c. This implies slope of line, it is equal to minus 2 plus 3k divided by 3k minus 3. ये हो गया जिस लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है उस लाइन का स्लोप।
Now, because this line is parallel to y-axis, so slope of this line, it must be infinity. Why? Because slope of y-axis is infinity. The line which is parallel to y-axis, its slope also be infinity. Because required line is parallel to y-axis, therefore slope of required line, it is equal to infinity, and slope of required line is minus 2 plus 3k divided by 3k minus 3 is equal to infinity. Minus 2 plus 3k divided by 3k minus 3 is equal to infinity, means 1 upon 0. By cross multiplication, 0 is equal to 3k minus 3. So 3k minus 3 is equal to 0. So 3k is equal to 3. K is equal to 3 upon 3. K is equal to 1. इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन व्हिच इज अल्फा, क्या थी ये लाइन? ये लाइन थी 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 3y 3x plus 3y minus 5 is equal to 0. K की जगह पे value put कर दे, which is 1. So 2x minus 3y plus 4 plus 1 into 3x plus 3y minus 5. 1 से multiply होगा, जाहिर सी बात है कोई change नहीं. So 2x minus 3y plus 4 plus 3x plus 3y minus 5 is equal to 0. So plus 3y minus 3y, ये तो हो गया cancel, बाकी बच गया 5x minus 1 is equal to 0. 4 minus 5, it is minus 1. ये उस line की equation हो गई जो given lines के intersection में से pass हो रही थी और पैरेलल थी y एक्सिस के. ये थी टाइप नंबर 5. नाउ कम टू टाइप नंबर 6. टाइप नंबर 6 में या तो स्लोप आपको डायरेक्ट गिवन होगा या फिर y इंटरसेप्ट गिवन होगा. जैसा कि पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 7, इसे आप समझ सकते हैं टाइप नंबर 6. टाइप नंबर 6 में या तो आपको स्लोप गिवन होगा या फिर y इंटरसेप्ट गिवन होगा या फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट का आपस में कोई रिलेशन दे रखा होगा. तो सी दिस पार्ट, पासिंग थ्रू the intersection of L1 and L2. L1 is equal to 43x plus 29y plus 43 is equal to 0, and L2 is equal to 23x plus 8y, 23x plus 8y plus 6 is equal to 0. And having y-intercept equals to minus 2. And having y-intercept equals to
minus 2. y-intercept दे रखा है minus 2. इसका मतलब अगर मैं इसकी शक्ल बनाना चाहूं तो शक्ल ऐसी बन सकती है x-axis, y-axis, origin, ये है required line L, y-intercept is given, इसका मतलब you are given this segment, it is equal to minus 2, yani C is equal to minus 2, and line is passing through the intersection of L1 and L2, first करें ये है line L1, फर्ज करें ये है लाइन L2, तो रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 एंड हैविंग y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 2. इसका मतलब यू आर गिवन C, इट इज इक्वल टू माइनस 2. L इज इक्वल टू L1 प्लस K टाइम L2 is equal to 0, L1 is equal to 43x plus 29y plus 43 plus k as it is, L2 is equal to 23x plus 8y plus x is equal to 0, यही आपका रिजल्ट है. बस किसी तरह के फाइंड करना है. के फाइंड करने के लिए आपको सी गिवन है यहाँ पे, तो आप वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे. मकसद होगा सी की वैल्यू फाइंड करना. ये हो जाएगा 43x प्लस 29y प्लस 43 प्लस 23 के एक्स प्लस 8ky plus 6k is equal to 0. इन दोनों टर्म्स में से आप x कॉमन लें तो 43 plus 23k इन दोनों टर्म्स में से आप y कॉमन लें तो 29 plus 8k plus 6k minus 43 plus 43 is equal to 0. So 29 plus 8k multiplied by y. इस टर्म को यहीं रहने दें, बाकी टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें. तो 43 plus 23k into x, शिफ्ट किया ये टर्म नेगेटिव हो गए. 6k plus 43, शिफ्ट किया ये टर्म नेगेटिव हो गए. इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस 43 प्लस 23k डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8k मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6k प्लस 43 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8k. अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं. इफ यू कंपेयर this equation with y is equal to mx plus c. इसका मतलब slope of line L, आपको slope की अब जरूरत नहीं है, आपको y intercept की जरूरत है. तो c is equal to, c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, it is minus 6k plus 43 minus 6k plus 43 divided by 29 plus 8k, but you are given c, it is equal to minus 2. Iska matlab minus 6k plus 43 divided by 29 plus 8k is equal to minus 2.
माइनस तो कैंसिल हो गया, 6k + 43 इज इक्वल टू 2 × 29 + 8k, ये हो गया 6k + 43 इज इक्वल टू 58 + 16k। तो ये हो जाएगा अब 43 - 58 इज इक्वल टू 16k - 6k। 43 - 58 इट इज इक्वल टू -15, इट इज इक्वल टू 10k। 10k इज इक्वल टू -15, सो k इज इक्वल टू -15/10, सो k इज इक्वल टू -3/2। k की ये वैल्यू आप पुट कर दें, एक ये वैल्यू आप पुट कर देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा में, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन अल्फा इट इज इक्वल टू 43x + 29y + 43 + k इज इक्वल टू -3/2 × 23x + 8y + 6 = 0। 2 आप एलसीएम लें और राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 2 × 43x + 29y + 43 -3 × 23x + 8y + 6, it becomes 86x + 58y + 86 - 69x - 24y - 18 = 0। तो 86x - 69x इट इज 17x, 58y - 24y इट इज इक्वल टू 34y + 34y। x + 2y + 4 = 0। 17 को शिफ्ट कर दें तो x + 2y + 4 = 0/17 = 0। ये थी टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में याद रखिएगा, अगर यहाँ तो सी दे रखा था, अगर एन दे रखा हो तो भी ये टाइप 6 कहलाएगी, और अगर मैं कह दूं हू स्लोप इज सेम एज इट्स वाई इंटरसेप्ट तब भी ये टाइप नंबर 6 ही कहलाएगी। नाउ कम टू टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 6 है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 6, इसमें दोनों इंटरसेप्ट्स अंडर कंसीडरेशन होंगे। टाइप नंबर 7, पासिंग थ्रू the intersection of L1 and L2, where L1 is given, it is equal to 3x - 4y + 1 = 0, and L2 is equal to 5x plus y
minus 1 is equal to 0. And cutting off equal intercepts. Cutting off equal intercepts. इसका मतलब x intercept and y intercepts are equal. इसका मतलब अगर मैं शक्ल बनाऊं तो ऐसी शक्ल बन सकती है कि स्ट्रेट लाइन जो आपको फाइंड करनी है वो दोनों एक्सिस को कट कर रही है. तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट ए, ये हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट विच इज बी, एंड यू आर गिवन ए इज इक्वल टू बी. जबकि ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है L1 और L2 के इंटरसेक्शन में से, L1 और L2 आपको गिवन, और इसके अलावा आपसे कहा गया है कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स. इसका मतलब A एंड B आर इक्वल. इसका मतलब अब इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c से हम कंपेयर नहीं करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 से. The required line, it is equal to L1 plus K time L2 is equal to 0. L1 is 3x minus 4y plus 1 plus K as it is. L2 is equal to 5x plus y minus 1. यही आपका रिजल्ट है, बस K फाइंड करना है. अब K फाइंड करने के लिए आप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 5kx प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0. 5kx प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0. तो 3x प्लस 5kx, x कॉमन लें तो 3 प्लस 5k मल्टीप्लाइड बाय x, ky माइनस 4y, y कॉमन लें तो इट बिकम्स k माइनस 4 इज इक्वल टू k माइनस 1. कॉन्स्टेंट को हमने राइट साइड पे इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड पे 1 होता है. जो भी कांस्टेंट होगा उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, राइट साइड पे 1 आ ही जाएगा. तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5k मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन k माइनस 1 प्लस k माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1. ये k माइनस 1 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया 3 प्लस 5k डिवाइडेड बाय k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस k माइनस 4 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 1. अब राइट साइड पे तो 1 आ गया, लेफ्ट साइड एग्जैक्टली वो नहीं है जो आपको चाहिए. तो लेफ्ट साइड एग्जैक्टली वही होनी चाहिए लाइक एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी. तो ये जो 3 प्लस 5k है इसे आपको शिफ्ट कर देना चाहिए डिनोमिनेटर में, k माइनस 4 इसे भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना चाहिए. तो ये अब बन जाएगा x डिवाइडेड बाई k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5k. प्लस y डिवाइडेड बाई y का मल्टीपल भी k माइनस 4 इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें
it is k minus 1 divided by k minus 4, it is equal to 1. Now it is exactly similar to x upon a plus y upon b is equal to 1. Iska matlab a x intercept ye ho gaya k minus 1 divided by 3 plus 5k, aur b ye ho gaya k minus 1 divided by k minus 4. And you are given a is equal to b. आपसे कहा गया था एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब ए इज इक्वल टू बी. ए और बी के की फॉर्म में आप फाइंड कर चुके हैं. इट इज के माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस फाइव के इज इक्वल टू के माइनस वन डिवाइडेड बाय के माइनस फोर. तो बेवकूफ आदमी के माइनस वन को काट देगा. के माइनस वन को काट देंगे तो के की एक वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए ये काटना नहीं है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इट इज इक्वल टू के माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय के माइनस फोर इज इक्वल टू के माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री प्लस फाइव के. इसे लिखा जा सकता है के माइनस वन इंटू के माइनस फोर माइनस के माइनस वन इंटू थ्री प्लस फाइव के इज इक्वल टू जीरो. आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि के माइनस वन कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लें. बाकी बचा के माइनस फोर माइनस थ्री प्लस फाइव के. It is equal to k minus 1 multiplied by k minus 4 minus 3 minus 5k is equal to 0. अब ये हो जाएगा k minus 1 multiplied by minus 4k minus 7 is equal to 0. So either k माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सो k इज इक्वल टू वन, ये एक वैल्यू हो गई, और माइनस फोर के माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो सो k इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन फोर, ये दूसरी वैल्यू हो गई. इसका मतलब यहाँ दो रिजल्ट्स हो सकते हैं. तो दोनों ही रिजल्ट्स वन बाय वन आप फाइंड करके दिखाएं. अब रिक्वायर्ड लाइन अल्फा केस नंबर वन व्हेन के इज वन, लाइन थी थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन मल्टीप्लाई प्लस के, के इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाइड बाय फाइव एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. इट बिकम्स थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन प्लस फाइव एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. अब ये हो गया भाई, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो 3x प्लस 5x इट इज 8x माइनस 4y प्लस y इट इज माइनस 3y इज इक्वल टू 0. नाउ कम टू केस नंबर 2 व्हेन वी पुट सेकंड वैल्यू ऑफ k, इक्वेशन बिकम 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस k which is minus 7 upon 4 5x plus y minus 1 is equal to 0. 4 LCM ले और right side पे shift कर दे, 3x minus 4y plus 1 minus 7 into 5x plus y minus 1. Now it is equal to 12x minus 16y plus 4
minus 35x minus 7y plus 7 is equal to 0. 12x minus 35x, it is minus 23x minus 16y minus 7y, it is minus 23y. 4 plus 7, it is plus 11 is equal to 0. Minus 1 can be taken common. You left 23x plus 23y minus 11 is equal to 0. It becomes 23x plus 23y minus 11 is equal to 0 upon minus 1, and it is equal to 0. Ye ho gayi most simplified form. अब रह गई टाइप नंबर एट. तो टाइप नंबर एट से रिलेटेड क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट पार्ट. तो आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, विषय पढ़ लीजिएगा. टाइप 9 वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें यूज होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.